Hello everyone, my name is Deepak Pandya and you're watching CBS City Point. Guys, today I'm going to start the first poem of the first unit and the name of that poem is The Road Not Taken, which is written by Robert Frost in 1960. Okay, this is a well-known poem and this poem reflects on the theme of choices and the consequences of those choices. कि जब भी आप लाइफ में डिसीजन लेते हो या आप चॉइसेस लेते हो तो उसके बाद आप उसके क्या देखते हो कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हो कि आपको उससे बेनिफिट मिलेगा या आपको उससे डिसएडवांटेजेस मिलेंगे या एडवांटेजेस मिलेंगे या चैलेंजेस मिलेंगे या प्रॉब्लम्स मिलेंगी या आपको उससे सक्सेस मिलेंगी आप उसके क्या देखते हो कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो ठीक है समझ में आ गया आपको अब हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पोएम से आपको क्या सीखने को मिलेगा इस पोएम का मेन मैसेज क्या है

फेस कर पाओगे बट अगर आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेते हो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो बहुत ही गंदे होंगे आप सफर भी करोगे आपको रिग्रेट भी फील होगा कि आपने डिसीजन क्यों लिए ठीक है तो इस पोईम का जो मेन मैसेज है वो ये है कि जब भी आप कुछ डिसीजन लें तो उसको बहुत ही सोच समझ कर लें बिना जल्दबाजी के आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी जब आप कोई भी डिसीजन लें अपनी लाइफ को लेकर ठीक है चाहे वो करियर से रिलेटेड हो चाहे वो किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को चूज करने से रिलेटेड हो चाहे शादी से रिलेटेड हो तो आपको हमेशा अपने डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए ये है इस इस पोएम का रियल मीनिंग ठीक है चलिए आप थोड़ा सा हम जो ऑथर है द रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके बारे में पढ़ लेते हैं उनकी जीवन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा चलिए गाइस अब ऑथर के बारे में देख लेते हैं अबाउट दी ऑथर ठीक है रॉबर्ट फ्रोस्ट वाज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को इन 1874 जो रॉबर्ट फ्रोस्ट थे वो बहुत ही जाने माने अमेरिकन पोएट थे और उनका जन्म कहां हुआ था सैन फ्रांसिस्को में इन 1874 सेवनटी फोर हुआ था एटीन में कहां पे सैन फ्रांसिस्को में ही लिव मोस्ट ऑफ इज लाइफ इन न्यू इंग्लैंड और उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी कहां पर जी न्यू इंग्लैंड में ठीक है गाइस रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड हिस्स पोएट द कंट्री साइड एंड सीनरी और जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की जो पोए होती थी वो ज्यादातर किस पे होती थी या तो वो गांव पे होती थी या वहां के दृश्य के ऊपर होती थी ठीक है फ्रोस्ट यूड सिंपल वर्ड्स एंड क्लियर पिक्चर्स टू टॉक अबाउट नेचर बींग अलोन एंड वट इज लाइक टू बी ह्यूमन और जो रॉबर्ट फ्रोस्ट थे वो हमेशा सरल वर्ड सरल सेंटेंसेज यूज करते थे और क्लियर पिक्चर यूज करते थे किसके बारे में अगर उनको प्रकृति को डिस्क्राइब करना है अगर उनको अकेलेपन को डिस्क्राइब करना है और अगर उनको ह्यूमन के बारे में कुछ बताना है तो हमेशा नॉर्मल वर्ड सिंपल वर्ड यूज करते थे ठीक है वो टफ वर्ड यूज नहीं करते थे ठीक है हार्ड जो हम बोलते हैं sometimes ही रोट इन ओल्ड स्टाइल्स लाइक blank वर्स एंड sonnets बट ही also talked अबाउट मॉडर्न थिंग्स विद एन अमेरिकन feel कभी कभी वो पुराने स्टाइल में भी लिखते थे जैसे ब्लैंक वर्स क्या होते गए बट ही ऑल्सो टॉक अबाउट मॉडर्न थिंग्स विद एन अमेरिकन फील और वो कभी कभी मॉडर्न uh, जो अभी विषय है उनके बारे में भी किस तरीके से बता दें अमेरिकन फील लेके उनके बारे में भी बताया करते थे ठीक है अब यहां पे हो गया आगे देखते हैं ही रोट फेमस पोएम्स लाइक द रोड नॉट टेकन उन्होंने बहुत फेमस पोएम्स लिखी है और उनमें से एक कौन सी है द रोड नॉट टेकन सेकेंड है स्टॉपिंग बाय वोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग ये इनकी एक और पोएम थी बर्चेस ये भी एक पोएम है एंड मैंडिंग बॉल और ये भी इन्होंने ये जितनी पोएम मैंने अभी बोली ये सारी इन्होंने लिखी हुई है रोड नॉट टेकन इज एस्पेशलीमस बिकॉज इट ट अलॉट अबाउट एंड वैपन बिकॉज ऑफ चोसेज बट जो उनकी फेमस जो पोए बोल सकते हैं वो थी द रोड नॉट टेकन क्योंकि उस पोएसिस के, के और जो भी चॉइसिस आप लेते हो उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे उनके जो आ, आप बोल सकते हैं, उनके डिसडवांटेजेस और उनके एडवांटेजेस क्या होंगे उनके बारे में उन्होंने बताया है द रोड नॉट टेकन में ठीक है और अब हम स्टार्ट करने वाले द रोड नॉट टेकन Poem. इसका हम देखिए सबसे पहले फर्स्ट एंजा चली तो गए शुरू करते हैं फर्स्ट एंजा किसका द रोड नॉट टेकन जो किसने लिखी थी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ठीक है सो सबसे पहले हम फर्स्ट एंजा देखते हैं फर्स्ट एंजा है लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन दी अंडर ग्रोथ ठीक है चलिए अब इसको मैं आपको लाइन बाई लाइन समझाता हूँ ठीक है so, सो पहली लाइन क्या है टू रोड इन वुड अब क्या होता है गाई? जो पोएट है है वो एक रास्ते से जा रहा होता रोड पर ठीक अब क्या होता है आगे जाके टू डाइवर्स क्या होता है जिस रास्ते से वो जा रहा होता है आगे जाके उसको क्या मिलता है डायवर्जन मिलता है डायवर्जन का मतलब क्या होता है क्या होता है गैस जहां पे दो रास्ते डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं डायवर्स का मतलब हुआ अपात is divided into two parts. डाइवर्स का मतलब होता है एक पाथ जो डिवाइड होता है दो पाथ में ठीक है इन द येलो वुड अब यहाँ पे हमें यहाँ पे जो येलो वुड की बात की है येलो वुड येलो वुड क्या है वुड का यहाँ पे मतलब हुआ फॉरेस्ट और येलो का मतलब आप मुझे ये बताइए आपने येलो फॉरेस्ट मतलब पीला फॉरेस्ट कब देखा है बहुत ही इजी है पीला फॉरेस्ट हम कब देखते हैं पीली लीव्स कब देखते हैं जो पीले पत्ते हैं वो हम कब देखते हैं वो हम देखते हैं पतझड़ के मौसम में पतझड़ के मौसम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑटम सीजन तो हमें इससे पता चलता है कि जो पोएट था वो कौन से किन दिनों की बात कर रहा है ऑटम सीजन की तो क्या स्टोरी अभी तक तो हमने क्या सीखा है कि जो पोएट है वो एक रास्ते से जा रहा है और वो जो रास्ता है वो आगे जाके दो पाथ में डिवाइड होता है कौन सा सीजन है यहाँ पे ऑटम

तो ट्रेवलर है वो अकेला है ठीक है उसके साथ कोई नहीं इज ओनली वन हु स्टैंडिंग देयर उस पॉइंट पे जहाँ पे वो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं ठीक है अब वो वहां पे जाकर ऐसे खड़ा हुआ है वो सोच रहे हैं उसको ये रास्ता लेना चाहिए या ये रास्ता लेना चाहिए वो सोच रहे हैं कि ये रास्ता उसके लिए अच्छा रहेगा या ये रास्ता उसके लिए उसके लिए अच्छा रहेगा इस रास्ते पे कठिनाई ज्यादा मिलेंगी कि रोड बेकार मिल सकती है या कुछ गड्ढे मिल सकते हैं इस रास्ते पे उसको ज्यादा गड्ढे मिलेंगे या रोड बेकार मिल सकती है तो वो ना बहुत बैठ के वहां एनालाइज कर रहा है कि उसके लिए कौन सा बेटर रास्ता रहेगा आगे देखते हैं आई लुक डाउन एज एज फार कुड वो इस पॉइंट पे मैं आपको दिखाता हूँ वो यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे और वो यहाँ पे ना जितनी दूर देख सकता है वो देखने की कोशिश कर रहा है इस रास्ते को भी और जितनी दूर तक इस रास्ते को देख सकता है वो इस रास्ते को भी उतनी दूर तक देखने की कोशिश कर रहा है ठीक okay, समझ में आ गया एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड जितनी दूर तक वो देख सकता है उतनी दूर तक वो देखने की कोशिश कर रहा है ठीक है टू वेयर इट बैंड इन अंडर ग्रोथ अब गाइज यहाँ पे क्या होता है बैंड का मतलब हुआ मूड वो तो क्या होता है वो उन रास्तों को उतनी दूर तक तो देख पा रहा है जब वो रास्ते कहीं आगे जाके टर्न नहीं ले रहे हो या किसी कर्व में ना हो या मुड़ नहीं रहे हो क्योंकि आगे जाके तो जंगल है जंगल में इतने सारे ट्रीज होते हैं इतने सारे बशेज होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता वो रास्ते आगे कहाँ जाएगा इतनी दूर तक तो देख सकता था वो देख रहा है दोनों रास्तों को और जहां पे वो दोनों रास्ते डिवाइड हो जहां पे वो दोनों रास्ते मुड़ रहे हैं तो उसके आगे वो उसकी जो साइट है वो उसको दिखा नहीं पा रही है क्योंकि उसको आगे उसको पता ही नहीं कि आगे है क्या ठीक है समझ में आ गया तो ये था इसका लिटरल मीनिंग अब मैं आपको बताता हूँ इसका रियल मीनिंग क्या है यहाँ पे जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है Guys, क्या होता है कि जो लाइफ है ना जब आप बड़े होते हो आपके सामने भी दो चॉइसेस आती हैं या तीन चॉइसेस आती हैं ठीक है ठीके? अब जो ऑप्शंस आते हैं आपको उनमें से एक चॉइस लेनी आपको एक चूज करना पड़ता है ठीक है ऑब्वियसली आपके सामने दो तीन चॉइसेस आएंगे आपको उनमें से एक ही चूज करना पड़ेगा तो आप सबसे पहले क्या आप करते हो आप प्रोज एंड कॉन्स देखते हो दोनों रास्तों के कि अगर मैं ये रास्ता लाइफ में चुनता हूं तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे और अगर मैं ये चुनता हूं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे उसके बाद ही जाके आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा रास्ता चुनना ठीक है आप जल्दबाजी में डिसाइड नहीं करते हो आप पहले सोचते हो कि मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को इंजीनियर बनना है और अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ तो मेरे को क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी और अगर मैं इंजीनियर बनता हूँ तो मेरे को क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी तो आप सोचते हो उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मेरे को आप कौन सा रास्ता चुनना है मेरे को इंजीनियर वाली लाइन में जाना है या मेरे को डॉक्टर में जाना है। बाद आप करते दोनों रास्तों के जो आपके सामने के लिए आते हैं ठीक है थेके? आप दोनों को अच्छी तरह देखते हो और उनके बाद जाके आप डिसाइड करते हो कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे हो समझ में आ गया आपको चलिए अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ठीक चलिए गाइस अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं सेकंड स्टैंजा है

क्योंकि तो उसको ऐसे लगता है कि इन दोनों रास्ते क्या है इक्वली सेम है इक्वली गुड है फेयर का मतलब होता है एज गुड एज दी अदर वन एक के बराबर दूसरा क्या होना अच्छा होना या दोनों सेम होना ठीक है तो उसका ऐसे लगता है कि दोनों सेम है दोनों बराबर है ऐसा इन दोनों में कुछ अलग नहीं है तो वो बोलते कि अब इनमें से में कोई भी चूज कर लूँ मेरे लिए बेटर ही रहेगा ठीक है तो वो बोलते हैं कि जस्ट एज फेयर तो वो क्या करते हैं एक फेयर चॉइस ले लेता है तो वो क्या करते हैं एक डिसाइड कर लेता है कि उसको ये वाला चूज करना है इस इसपे क्या करना है इस इसमें वो चलना शुरू कर देता है एंड हैविंग बेटर क्लेम अब क्या होता है गैस जब उस पर चलना शुरू कर देता है तो वो रियलाइज करता है वो सोचता है कि जो रास्ता उसने चूज करा है इन दोनों में से जो रास्ता इन दोनों में से उसने चूज करा है वो उसके लिए क्या है बेटर ऑप्शन है क्लेम तो का मतलब क्या होता है गाइज बेटर ऑप्शन क्लेम का मतलब क्या है बेटर ऑप्शन उसके लिए क्या है वो एक अच्छा ऑप्शन है ठीक है अब हम आगे देखेंगे उसको वो बेटर ऑप्शन क्यों लगा बिकॉज इट वॉज ग्रासिक वो उसको ऐसे उसको इसलिए उसने चूज करा सेकंड वाला पाथ क्योंकि उसपे क्या क्योंकि वो क्या था ग्रासी था ग्रासी मतलब जिसपे ग्रीनरी हो घास हो पत्ते हो अब इससे हमें पता क्या चलता है जिस रास्ते पे आपको ग्रीनरी घास पत्ते मिलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने इस रास्ते को बहुत ही कम यूज करा है तो यहाँ पे जो ग्रासी का मतलब क्या था अनयूज इसका मतलब ये हो कि लोगों ने इस रास्ते पे कम ट्रेवल करा है वो अनयूज है उस उसपे लोगों ने उस रास्ते को क्या है

जब जो पॉइंट है वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या रियलाइज करता है कि वो देखते हैं जो रास्ता उसने चूज करा था उसमें भी क्या है गड्ढे हैं उसमें भी पत्थर है, वो रास्ता भी उसको घिसा पिटा लगता है क्या रियलाइज करता है कि जो दोनों रास्ते वो क्या है घिसे पिटे ही है ऐसा इन दोनों में कोई भी अलग नहीं है दोनों रास्ते दोनों रास्तों में गड्ढे हैं दोनों रास्तों में पत्थर है ऐसा कुछ नहीं है कि ये रास्ता उसके लिए बहुत ज्यादा बेटर निकला आया है वो तो क्या बोलता है कि दोनों रास्ते क्या है उसके लिए सेम है

आपको उस उसपे अगर सक्सेस मिली है तो आपको उस पर फेलियर भी मिलेगा अगर आपको डिसएडवांटेजेस मिल रही है तो उस उसपे आपको एडवांटेजेस भी मिलेगी अगर आपको प्रॉब्लम्स मिली है तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि आपका जो रास्ता बिल्कुल स्मूथली निकल जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है अगर आप ये सोचो कि आपके लिए बेटर ऑप्शन है इस पर बहुत ही आपका जो रास्ता है आपका जो जर्नी हो बहुत स्मूथली निकलेगी ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में चाहे आप लाइफ में कुछ भी डिसाइड करिए कुछ भी चूज करिए आप में उस आपको उसमें डिफिकल्टीज प्रॉब्लम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस

जैसा आपने सेकंड स्टैंड में देखा था क्या होता है सेकेंड स्टैंड में में होता है जो जो है वो यहाँ खड़ा है ठीक है वो इस रास्ते को बहुत देर से देख रहा होता है और फिर बहुत देर बाद एनालाइज करने के बाद ये सोचने की ये रास्ता उसके लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा वो ये वाला रास्ता चुन लेता है ठीक है अब क्या होता है जब वो इस रास्ते पे आगे चलता है तो वो रियलाइज करते कि इनिशियली ये रास्ता उसको शुरू में तो बहुत अच्छा दिखा था हरा भरा लगा था घास थी पत्ते थे बट आगे जाके ये रास्ता उसको कैसे दिखने लग गया हिस्सा पिटा ऐसे लगने लग गया जैसे इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं बहुत सारे इसमें पत्थर उसको पाने लगे सोचते हैं कि दोनों रास्ते उसको क्या रियलाइज होते हैं कि दोनों रास्ते मुझे लगता है सेम ही होंगे ठीक है ऐसा कुछ नहीं कि ये रास्ता जो उसने छोड़ा वो ज्यादा बेटर होगा उसको पता चलता है कि दोनों रास्ते क्या थे उसके लिए सेम थे अब आगे देखते हैं पे हाँ जो बोथ है ये उन टू रोड्स की बात हो रही है ठीक है तो ये कहता है कि जब सुबह सुबह जब वो इस डायवर्जन पे इस फॉग पे आया था जब उसने ये दोनों रास्ते देखे ठीक है तब वो उसने क्या देखा कि दोनों रास्ते कैसे थे बिल्कुल सिमिलर थे बिल्कुल सेम थे नो नो इन स्टेप ब्लैक और जो इन रास्ते पे जो पत्ते थे और जो ग्रास थी ग्रीनरी थी ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई चल के ही नहीं गया उनपे किसी ने वॉक भी नहीं करा इन दोनों रास्तों पे ऐसा फील हो रहा था किसको पोइट को कि इन दोनों रास्ते से कोई गुजरा ही नहीं है ट्रोडन मतलब वॉक ओवर नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ब्लैक जो वहां के पत्ते हैं वो बिल्कुल सेम थे ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको किसी ने क्रश करा है फल के ठीक तो है फर्स्ट फॉर डे फिर वो क्या करता है तो मैं किसी और दिन चलूंगा गेट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे ये जानते हुए भी की ये जो रास्ता उसने चूज कराई ये कहीं आगे जाके कहीं और डिवाइड हो जाएगा फिर ये और चूज कर लेगा फर्स्ट रास्ता सेकेंड को जाएगा सेकेंड थर्ड को जाएगा और थर्ड फोर्थ को जाएगा तो वो बोलते कि जो ये हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कि एक रास्ता दूसरे पे जाएगा तीसरे पे जाएगा चौथे पे जाएगा आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक फिर वो ये सोचते कि वो सोचते कि अगर वो ऐसे ऐसे चलता रहा तो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा इस जगह इसके लिए इस रास्ते को इस रास्ते पे चलने के लिए okay? समझ में आ गए आप अब आप देखते हैं कि इस ये तो इसका लिटरल मीनिंग था अब हम देखते हैं इसमें पोइट कहना क्या चाहता है गाइस क्या होता है जिंदगी में ना आपको दो ऑप्शन मिलते हैं और आप क्या करते हो उसमें से एक ऑप्शन चूज करते हो उसके बाद कुछ तो सही चीजें जो आपको करनी चाहिए आपको बस जो रास्ता आपने चुना है आपको उसी पे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए जो आपने रास्ते छोड़ा है वो आपको कहाँ ले जाता ठीक है मान के चलिए आपके पास आपके पास एक इंजीनियरिंग करनी थी आपको और एक डॉक्टर करनी थी

इस रास्ते पे जो सब जो रास्ता आपने छोड़ा था डॉक्टर वाला अगर आप उसको करते तो क्या होता तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है लाइफ में आपको हमेशा आगे बढ़ना है आपको कभी ये नहीं सोचना कि अगर आप वो रास्ता अपनाते तो आपकी जिंदगी में क्या होता ठीक है तो ये था इसका थर्ड स्टेंजा का मीनिंग अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेंजा जो हमारा लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का ओके सो so चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए गाइस अब फोर्थ स्टेंजा देखते हैं जो हमारा लास्ट स्टेंजा भी है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय समवेयर एजेस एंड एजेस एजिस डिफरेंस तो इसमें कहते कि आगे जाके फ्यूचर में वो कहते हैं कि मैं ये जो, जो भी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ये मैं एक लंबी सांस लेके अपने ग्रैंड चरे लोगों के साथ शेयर कर रहा होगा फिर वो क्या कहते हैं टू रोड डायवर्स इन एंड लेस ट्रेवल सामने दो रास्ते डिवाइड थे और मेरे को मैं ये वाला चुनू या ये वाला ठीक है तो बोलते कि बट मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत ही लेस ट्रेवल था जो बहुत कम लोगों ने चुना था मैंने वो रास्ता चुनाव फिर वो आगे ये कहते हैं कि जिसकी वजह से जो भी आज कुछ मैं हूं मैं उन डिसीजन की वजह से हूं वो उस डिसीजन की वजह से हूं जो मैंने अपने पास में लिए थे अब ये तो हो गया इसका मीनिंग अब हम देखते हैं इसमें पोइट कहना क्या चाहते हैं चलिए अब इसका रियल मीनिंग देखते हैं रियल मीनिंग ये है स्टेंजा का पोइट कहते हैं कि जब तुम बड़े हो रहे होते हो जब तुम अपने यूथ में पहुंचते हो अपने लेट लेट्स में या ट्वेंटीज में उस समय तुम्हें बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने करियर को लेके ठीक है और जो भी तुम आगे जाके बनते हो वो उन डिसीजन की वजह से ही बनते हो ठीक है तो पोइट कहना चाहता है कि आगे जाके जब भी तुम्हें कोई डिसीजन मिले जब भी तुम कोई डिसीजन लो तो उसको बहुत ही सोच समझ कर ले क्योंकि तुम्हारा एक गलत डिसीजन तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है? और उस डिसीजन को तुम कभी चेंज भी नहीं कर पाओगे जब भी तुम्हें ऐसा चांस मिले जब भी तुम्हें ऐसा ऐसी सिचुएशन आए जहां पे तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें ये करना है वो करना है उस समय तुम्हें बहुत ही वाइज तरीके से बहुत ही केयरफुल तरीके से तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए ठीक है तो ये जो पूरा स्टोरी है जो भी पूरी पोएम हमें ये किस पे डिपेंड करती है चोइसिस पे जो भी तुम अपनी लाइफ में लोगे तो यहाँ पे ये पूरी पोएम कंप्लीट होती है अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके So, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी पोएम एक्सप्लेन कर दिया द रोड नॉट टेकन जो किसने लिखी है रॉबर्ट फ्रोस ने तो अब हमारी पोएम पूरी कंप्लीट हुई अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज ओके सो so, चलिए अब मैं आपको मिलता हूं पार्ट टू में बाय